करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कैंप कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना, विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भावुक हो उठे, सरकार पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता की और प्रदेश सरकार पर लेवड़ा नदी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते लेवड़ा नदी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लेवड़ा नदी की समस्या को लेकर कई बार सरकार से आवाज उठाई गई, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विपक्ष आपदा के दौरान आई परेशानियों का तत्काल समाधान करने के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार की जनता की उपेक्षा कर रही है, ये आरोप लगाया यशपाल आर्य ने। और उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो उनको परेशानियां आ रही हैं, उनको सुना जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। थोड़ा भावुक भी नजर आए यशपाल आर्य। पीड़ितों के बीच में पहुंचे थे और लगातार हो रही बरसात से लोग बेहाल हैं। उनकी समस्याओं को सुना और निर्देश दिए अधिकारियों को कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो।